बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं अमीरुल मुजम्मन और आप देख रहे हैं स्टेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, किसानों ने इस वक्त जो है फेस्को ऑफिस के बाहर धरना दे दिया है और जो चटाइयाँ बिछा के, दरियाँ बिछा के, अपने जो हैं कलीन बिछा के बैठ गए हैं। इन्होंने ना वापस घरों में जाने का इरादा कर लिया है और इनका यही मुतालबा है कि अभी तक गवर्नमेंट जो है इनकी तरफ से ना को सुनने आया ना इनके मुतालबात को आए। मसद किसान जो है रहनुमा सैयद शफकत अब्बास मुझे, सर क्या मुतालबात है, किस वजह भाई ऐसी बिल्ला दी ज्यादती वास्ते बैठे थे सवेर तो आ जाओ तो अस इतजाज कर रहे हैं भी साढ़े बिल किड़े नो सारे कट्टे जावें और असी बहुत मुश्किलात नाल पिछले बिल भी पे किए और ये बिल साढ़े को पे करने की गुंजाइश ही कोई नहीं और सानू कोई साड़ी गवर्नमेंट सुनाई भी नहीं करती पी और साढ़े जानवर किड़े वो बीमारियों नाल मरते पैन सैलाब साढ़े इलाकों के आए हुए हैं तो कि बिल हैं वो इतने ज़्यादा बिल हैं कि साढ़े को पे करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। जो पिछले माह जो है बिल आ रहे थे उसमें जो कुछ यूनिट्स के ऊपर उनका जो था 10,000-15,000 अब वही 1-1 लाख के करीब पहुँच चुके हैं। सईद हसन शाह साहब, आप बता रहे थे कि आपके इलाके में जो है बीमारी जानवरों में फैली हुई है और लोग जो है वो सरापा इतजा रहे। बीमारी बहुत ज़्यादा है हमारे इलाके में, काफ़ी ज़िम्मेदारों की गायें वगैरह मर रही हैं, पहले गायें मर रही हैं हमारी और पहले से हम मजलूम हैं। ऊपर से ये वापड़ा वालों ने एक्स सी एन साहब जो हैं सुबह काम इधर बैठे हुए हैं, उन्होंने आकर हमारी बात ही नहीं सुनी। ये तो कोई तरीका नहीं है कि वो आकर हम इधर धरना देकर बैठे हैं सुबह से भूखे और प्यासे, किसी अफसर ने आकर हमारी बात भी नहीं सुनी। जो हमारी गिजाई किल्लत को पूरा करते हैं, जो हमारे लिए खाना पैदा करते हैं, आज वही खुद जो है रोडों के ऊपर भूखे बैठे हैं। सर आप बताएं कि आपके इलाके में इस वक्त जानवरों की क्या पोजीशन है और आपको इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है उससे आप क्या गिले आप कर रहे हैं? कोई शदीद बीमारी है जी जानवरों में, ये तवक्को थी इस हुकूमत से शबाज शरीफ साहब आला हुकाम से कि ये कोई रिलीफ मिलता था नवाज शरीफ दौर में, तो इन्होंने तो बुरा हाल कर दिया। पहले से 10 तारीख तक मोटरें चली हैं ट्यूबवेल की, आगे 20 दिन बारिश रही है, तो बिल इतने ज़्यादा और टैक्स जिसका ये हालात। मौजूदा हुकूमत ये जो इस वक्त है वफाकी, उनके साथ इन लोगों की हमदर्दियाँ थी ताकि वो आते और किसानों की फलाह के लिए बहुत ज़्यादा काम करते, लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि मौजूदा हुकूमत ने के भी आके इनके लिए कुछ नहीं किया। हमारे साथ चेयरमैन मौजूद हैं किसान इत्तेहाद के, सर आप बताएँ आप जो है मौजूदा हुकूमतें जो हैं ये तो इस वक्त तमाम वफाक में तमाम हुकूमतें इस वक्त मौजूद हैं और पंजाब के अंदर भी जो है वो आप PTI है या काफ लीग है, तो आपके मसाइल तो हल होने चाहिए, क्यों नहीं हो रहे? ये जुल्म की इंतहा है जो 25 करोड़ आवाम को गरीब किसान गल्ला मुहैया करता है, फूड सिक्योरिटी का जामिन है, उसके साथ ये मुफ्ता इस्माइल जो IMF का एजेंट है उसने ये एक जुल्म की इंतहा कर दिए। बेचारा किसान जिसके पास कुछ भी नहीं है और वो अपना पेट पालता है, पूरे मुल्क का पेट पालता है, उसको इतनी महंगी खादें, महंगी ज़रई अद्वियात और ये बिजली का जुल्म जो नाकाबले बर्दाश्त है। हम इस तरह ये बिल अदा ही नहीं कर सकते, अपनी ज़मीनें बेच कर भी नहीं अदा कर सकते। अरे बिल्कुल, ज़मीनों की अगर यही बिलों की सूरत हाल रही तो इन लोगों ने मोटरें चलानी छोड़ देनी, जब मोटरें नहीं चलेंगी तो ज़मीनें बंजर हो जाएंगी और जब ज़मीनें बंजर हो जाएंगी तो फिर भी जो मुल्क के अंदर जितना भी हमारी गिजाई ज़रूरियात को पूरी करने वाले वो तमाम की तमाम कुछ चीज़ें अजनास नहीं आ सकेंगी, जिस वजह से हमें दोबारा बैरून मुल्क के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा इमदाद के लिए। काश्तकारों के अगर यहाँ पर मसाइल हल कर दिए जाएंगे तो ये तमाम के तमाम मुल्क की गिजाई ज़रूरियात को पूरी कर सकेंगे। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।